रायपुर में सामाजिक संस्था कुछ फर्ज हमारा भी इन दिनों काफी मुखर है। संस्था एक ऐसे गरीब परिवार की मदद कर रहा है जिनके पास ना तो रहने की छत है ना तो पेट भरने के लिए आय का साधन। बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन पढ़ाई की कोई खास व्यवस्था नहीं। सड़क किनारे वेट मशीन के सहारे ये गरीब परिवार अपनी जीविका चला रहे हैं। हमको अच्छा लग रहा है जो हमको जो सामान दे रहे हैं। हम कभी भी हम जिंदगी में ऐसे सामान मिलेगा हमको बोल के सोच भी नहीं सकते थे कि आज हमको अच्छा लग रहा है कि आज मिल गया, इतना खुशी कभी भी हम नहीं सोच रहे थे मिलेगा बोल के। 23 मई 2018 से सामाजिक संस्था कुछ फर्ज हमारा भी समाज के हित के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। बीते दिनों 7 दिन के लगे लॉकडाउन के दौरान संस्था को गरीब परिवार की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता उनकी मदद के लिए आगे आए और उन्हें जीवन यापन करने के लिए सभी जरूरी सामान उपलब्ध कराया। जब से कोरोना काल आया था लॉकडाउन के समय से हम खाना वितरण, कच्चा राशन और पका राशन वितरण कर रहे थे। अभी 7 दिन का जब लॉकडाउन था तो हमारे पास एक मैसेज आया, WRS कॉलोनी में एक अति आवश्यक परिवार है जिसे राशन की ज़रूरत है। हमने परिवार के पास गए और लगभग 15 दिन का राशन इनको दे के आया। फिर हमने परिवार को करीब से जानना चाहा। जब करीब से जाना तब पता चला कि जो पिताजी हैं इनके वो अप्रैल के आसपास रिक्शा चलाते हैं, अप्रैल के आसपास किसी कार वाले ने उन्हें ठोंक दिया और ठोकने के बाद इनका जो रोजी रोटी जो चल रहा था वो एक तरह से ख़त्म हो गया। इनका दूसरा काम था वेट मशीन के सहारे रास्ते में बैठकर गुजारा करना, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। कि हम लोग सब की मदद आपके इस कुछ फर्ज हमारा भी संस्था से तो नहीं कर सकते, मगर मैं बाकी शहर के लोगों से भी अपील करता हूँ, शहर की जनता से भी अपील करता हूँ कि अगर हम 1 रुपया अगर कहीं कमा रहे हैं तो जरूर हम लोगों को 15 पैसा 20 पैसा ऐसे कामों में खर्च करना चाहिए। संस्था की पहल रंग लाई और रविवार को महापौर एजाज ढेबर ने गरीब परिवारों को राशन और गृहस्थी से जुड़े सामान का वितरण किया और रोजगार के लिए परिवार को हाथ ठेला और ठेले के लिए डेली नीड्स का पूरा सामान दिया, जिससे रोजगार के लिए आत्मनिर्भर हो सके। इस मौके पर महापौर ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया। TCP 24 के लिए नितिन नामदेव की रिपोर्ट।